कश्मीर, ये बात पहले बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। और ये फिल्म जो है कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी के ऑब्जर्वेशन जब आपके रियल घटनाओं पर आधारित कह सकते हैं। और ये फिल्म बनाना पॉसिबल हुआ इस तरह के ग्रेट एक्टर्स जो हमारे सामने इस वक्त बैठे हैं, सौरभ शुक्ला जी, कृष्ण शर्मा जी। Actually, I'm very thankful to Saurabh ji because he has supported in all the films everywhere, not as an actor but in the brainstorming and scripting, everywhere he has been a backbone to me. And this film is a straight from the heart film. There's no nothing over the top. ये कुछ भी बहुत ही फिल्मी मसाला या उस तरह की फिल्म नहीं है, बहुत कश्मीर की रियलिटी से जुड़ी हुई फिल्म है। और दूसरी चीज़ यह है कि कश्मीर पे अक्सर हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं और प्रॉब्लम्स पे छोड़ देते हैं। तो वी हैव ट्राइड टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ आल्सो इन द एंड। और हम लोगों ने ये भी दिखाने की कोशिश की है दैट देयर इज नो ब्लैक एंड वाइट, देयर आर लाइक अदर शेड्स ऑफ कैरेक्टर्स आल्सो। बिकॉज क्या होता है, कश्मीर का नाम आते ही बहुत ही एक ब्लैक और एक बहुत ही डरावना और उस तरह की एक इमेज जो बन गई हुई है स्पेशली मीडिया में और हर जगह पे, तो लोग वही देखते हैं। बट हमने हालांकि टेररिज्म और सारी प्रॉब्लम, सारे क्राइसिस जो कश्मीर पिछले 20-25 साल से झेलता आ रहा है, वो सारी चीज़ें तो है ही हैं, और उसके साथ साथ हमने उसके अंदर रहने वाले वो कैरेक्टर्स, चाहे वो वहाँ के पुलिस कॉप्स हैं जो STF को से डील करते हैं, जो लोग बहुत ही, जिनको लोग बहुत रोल समझते हैं, लोग समझते हैं कि ये लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं, बट उनकी ज़िंदगी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कैसे हैं, उनके भी अपने इमोशंस हैं, तो ये सारी चीज़ों को डील करने की कोशिश की है। एंड वी होप दैट पीपल विल लाइक द फिल्म। के बारे में राहत बता ही चुके हैं सब कुछ, एंड कश्मीर के ऊपर फिल्म है तो थोड़ा अंदाजा तो लग ही जाता है कि किस तरह की फिल्म होगी, लेकिन आप लोग जो सोच रहे हैं ये उस तरह की फिल्म है नहीं। It's quite a funny film. You know, everybody thinks that it's going to be a very dark film, but it's not a dark film. Yes, it has its darkness, but ज़िंदगी में हमेशा मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कभी भी एक कलर नहीं चलता। It's not that if you are sad, so you'll always be sad. Or अगर कहीं परेशानी है तो सिर्फ परेशानी होती है। ज़िंदगी अपने आप हर कलर लेकर चलती है, और उसी बारे में ये फिल्म एक्चुअली है। एक छोटी सी चीज़, यहाँ पर हम सभी लोग बॉम्बे में रहते हैं, हम सभी लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं। Does anybody have a bungalow or something? No. So everybody lives in flats, right? हम लोग सोसाइटी के पार्ट हैं, बिल्डिंग सोसाइटी में। और जब हम दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं तो जैसे हम कार लेके या पैदल जैसे भी हम लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, वॉचमैन हमें सबसे पहले रोकता है और वो पूछता नाम क्या है, किससे मिलना है। And I think, चाहे या ना चाहे, we feel insulted because our identity is in question. देखिए, वॉचमैन अपना काम कर रहा होता है, उसको सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। एंड आई थिंक यही देश की स्थिति है कि जो वॉच कर रहे हैं, जिनका काम है सिक्योरिटी, they will check your identity. लेकिन जब वो आइडेंटिटी ही सब कुछ हो जाती है, वो एक आइडेंटिटी कार्ड, एक सिंपल सा एक आई कार्ड, विच कैन बी मेड एनीवेयर, आई मीन यू जस्ट ज़ेरॉक्स इट एंड मेक इट एंड जस्ट पुट अ स्टैम्प, सो आदमी आदमी की तरह से एक दूसरे को नहीं देखता है, विच बिकम्स द प्रॉब्लम। एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन कश्मीर। I think it is one of the most beautiful, most scenic places I have seen. It's a great mixture of mountains and meadows. Basically, it's meadows, so it's really beautiful. I mean, it's like English countryside at the same time it is in India. वहाँ के घर बड़े कमाल के होते हैं। कश्मीर के जो घर होते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको हमेशा कश्मीर में अगर जाकर देखें तो वहाँ घरों का स्ट्रक्चर बड़ा यूरोपियन होता है। स्लांट छतें होती हैं, लकड़ी के घर होते हैं, and it's really really beautiful and people are really beautiful. They do not look like exactly like us, I mean hamari jaise dikhte hain, lekin they look more Iranian, you know, us tarah ka fair color, sharp nose, very beautiful people. Lekin mere do incident main aapko batata hu. Hum log shooting kar rahe the, hum log ek bungalow mein reh rahe the, to raat ko ye kala saab jo hai Rajendra Kala, ye mere room partner the,
तो हम लोग और विपिन जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे पड़ोसी थे, बगल के कमरे में रहते थे। तो रात को हम लोग खाना वाना खा के अपने कमरे में सोने के लिए गए और मैं और काला साहब बैठ के कुछ बात बात कर रहे थे। सडनली मुझे कुछ सुनाई पड़ा। मैंने कहा कि तूने सुना। उसने कहा क्या सुना क्या। मैंने कहा सुन। एंड वी वहाँ पर कश्मीर में बहुत नॉइज बहुत कम है, रात के वक्त सन्नाटा हो जाता है। एंड वी कुड हियर गनशॉट्स एंड देयर वर गनशॉट्स एंड आई कांट टेल यू हाउ टेरिफाइंग इट वाज कि कहाँ गोली चल रही है मालूम नहीं है। फट फट की आवाज आ रही थी, चार पांच आवाजें आई। हम लोग इतना डर गए थे, वी नॉक्ड विपिन्स रूम और विपिन को उठाया और बोला तुझे सुनाई पड़ रहा है। एंड उस वक्त कोई आवाज नहीं आ रही थी। विपिन ने मेरे को कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा, मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा। देन वी केम बैक इन द रूम एंड सडनली द साउंड्स स्टार्टेड अगेन, द सेम गनशॉट्स स्टार्टेड अगेन। एंड देन ही नॉक्ड द डोर एंड ही केम इनसाइड कहा अबे गोलियां चल रही हैं यार बाहर। एंड वी डिडंट नो, पहाड़ों में पता नहीं लगता है, साउंड एको करती है तो पता नहीं लगता है कि गोली एक्चुअली चल किधर रही है, वो पास में चल रही है, दूर चल रही है, कहाँ चल रही है। एंड देन वी डिसाइडेड टू स्लीप ऑन द फ्लोर, हालांकि काफी ठंड थी, वी डिसाइडेड टू स्लीप ऑन द फ्लोर क्योंकि खिड़की ऊंची होती है, खिड़की पे अगर आप सोए तो यू कैन बी शॉट, यू नो दैट वॉज द फियर। एंड आई कांट टेल यू आई एम नाउ 50 ईयर्स ओल्ड, I have never felt a fear like that. Maybe once when I was a child, and जब 1984 का riot हुआ था, मैं दिल्ली में था, तब मेरे ख्याल से मुझे वो उस तरह का डर लगा था। And the next day we went to the shoot and everything was normal. Nobody was talking about the gunshots last night. So we broke the news. And पता ये लगा शादियों का season शुरू हुआ था, actually कोई शादी चल रही थी जहाँ पर आतिशबाजी हो रही। So that is the सिचुएशन इन कश्मीर। दूसरा इंसिडेंट जो था कश्मीर का वो ये था कि इन आवर फिल्म यूनिट्स वी हैव स्पॉट बॉयज। यहाँ लोगों को मालूम है स्पॉट बॉयज क्या होते हैं? दोज़ हू सर्व यू टीम, टेक केयर ऑफ यू, वेरी नाइस पीपल। बट इन द मनी हायरार्की दे आर द लोएस्ट, उनको सबसे कम पैसे मिलते हैं, सो दे आर लाइक डेली वेज पीपल। तो वहां पर तीन कश्मीरी स्पॉट बॉय थे, वहीं के कश्मीर के लोकल लोग थे जो वहां करते थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जाते वक्त विल गिव देम सम टिप। आई कॉल्ड द हेड स्पॉट बॉय और मैं उससे बात कर रहा था, मैंने पूछा तुम करते क्या हो। यू नो व्हाट ही टोल्ड मी, ही इज अ डबल एमए इन हिस्ट्री and Kashmiri language. He was a double MA man who was doing the job of a daily wage worker. So I said, why don't you work in university? Why don't you work in the university? Where are the jobs? Where are the jobs? So there is so much of desperation there that people are ready to do anything. And this gives a hint that whatever happened in Kashmir, the terrorism also spread, you have read terrorism stories. ऐसा नहीं है कि सब लोग देहात में लग गए थे या सब लोगों के पास आइडियोलॉजी थी, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग तो इसीलिए चले गए कि यार चलो ठीक है, माय फैमिली विल बी टेकन केयर ऑफ। सो इस तरह की स्थितियां उस जगह पर हैं, लेकिन उसके बावजूद द प्लेस इज स्टिल अलाइव, इट्स क्वाइट अलाइव, पीपल आर वेरी नाइस, हंसते हैं, मजाक करते हैं, टूरिस्ट को ऊंचे दामों पर चीजें भी बेचते हैं, फ्लीस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं जो हर जगह होता है वो वहां पर भी होता है।